कक्षा 10 के बच्चों के लिए गणित प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140। चलिए 140 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 140 को 2 से भाग करते हैं, 2 × 3 = 14, 2 × 9 = 56। अब 2 से फिर 70 को काटेंगे, 2 × 3 = 6, 1 आ गया और 0 उतारेंगे 10 बन गया, तो 5 × 10, 5 से काट दीजिए, 5 × 7 = 35 हो गया, और 7 से काट दीजिए, 7 × 1 = 7। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2×2×5×7। अब 2×2 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 5×7 ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल इसी प्रकार से है, 156, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 × 14, 15 × 14 घटाएंगे 1 आएगा और 16 बन जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 7 × 6 घटाएं 1 आएगा, बगल में 8 उतारेंगे 18 बनेगा, 2×9 = 18, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, उसके बाद 13 × 13 = 13। तो यह गुणनखंड के रूप में आ गया, 2×2 × 3 × 3 हो गया × 13, 2×2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 3×13, यही आपका आंसर हो गया। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा।